This video is also available in English audio. To watch, click the link given in description. इस वीडियो में हम टेक्स्ट को हैंडराइटिंग में बदलना सीखेंगे। इसके लिए आपको अपना खुद का फॉन्ट बनाना होगा। सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर खोले और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को सर्च करें। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री को क्लिक करें। अपना ईमेल डालें और एक पासवर्ड बनाएं। आई एग्री को क्लिक करें और सबमिट करें। इसके बाद आपके ईमेल में एक कंफर्मेशन लिंक भेज दिया जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करें। स्टॉक ऐप को क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि हम लॉगिन हो चुके हैं। टेम्पलेट्स पर जाएं। Adobe Latin 1 को सेलेक्ट करें। डाउनलोड टेम्पलेट्स पर क्लिक करें। PNG सेलेक्ट करें। कैरेक्टर एज बैकग्राउंड को टिक करें और डाउनलोड को क्लिक करें। अब .zip फाइल को क्लिक करें और आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। डाउनलोड किए गए zip फाइल पर राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट हियर को क्लिक करें। यह सारे वो शीट्स हैं जिनमें आपको अपना खुद के अक्षर सबमिट करने हैं। अपने अक्षर एक कागज पर लिख ले और उसको Adobe स्कैन या कैम स्कैनर जैसे सॉफ्टवेयर से स्कैन करें। अब स्कैन किए गए शीट पर राइट क्लिक करें और उसे फोटोशॉप द्वारा खोलें। आपको इसके लिए थोड़ा बहुत फोटोशॉप आना चाहिए। फाइल्स पर जाएं, ओपन क्लिक करें और वह टेम्पलेट सेलेक्ट करें जिसमें आपको अपना अक्षर अपलोड करना है। अब आप देख सकते हैं दोनों ही शीट्स यहां पर मौजूद हैं। अब विंडो में जाएं, अरेंज क्लिक करें और गो अप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अपनी सुविधानुसार क्लिक करें। अब सभी लेटर्स को कट करें और टेम्पलेट में पेस्ट करें। फोटोशॉप के अलावा आप यह भी कर सकते हैं कि आप उन टेम्पलेट्स को प्रिंट आउट निकलवाए, उनमें आप अपने अक्षर लिखें, फिर स्कैन करके अपलोड करें। अब हमें इन टेम्पलेट्स को अपलोड करना है। अब वेबसाइट में वापस जाएं, न्यू फॉन्ट पर क्लिक करें, अपना फॉन्ट का नाम लिखें। शब्दों के बीच में दूरी और उनका आकार अपनी सुविधानुसार चुनें। अपलोड टेम्पलेट पर जाएं, वह टेम्पलेट चुनें जिसको आपने बनाया है और उसे अपलोड करें। यह चंद सेकंडों में पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे टेम्पलेट को भी अपलोड करें। आप अपने द्वारा बनाए गए अक्षरों को एडिट भी कर सकते हैं। आप अपने अक्षर को अपने अनुसार डिजाइन दे सकते हैं। एडिट करने के बाद सेव करना ना भूलें। अब ब्यूल्ड फॉन्ट पर क्लिक करें, अपना फॉन्ट का नाम डालें और ब्यूल्ड पर क्लिक करें। आप अपने द्वारा बनाए गए फॉन्ट का टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए इन अक्षरों को डिलीट करें और वहां पर जो मर्जी लिखें। अब ऊपर दिए गए किसी भी फॉन्ट फाइल को क्लिक करें और आपका फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड किए गए फॉन्ट को क्लिक करें और आपका फॉन्ट कुछ इस प्रकार दिखता है। इंस्टॉल पर क्लिक करें और आपका फॉन्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब लिखने के पहले अपने द्वारा बनाए गए फॉन्ट को सेलेक्ट करें। आप देख सकते हैं यह आपकी हैंडराइटिंग की तरह दिख रहा है। अब आप पैराग्राफ को कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं और उसे अपने फॉन्ट में बदल सकते हैं।
लेफ्ट साइड हाथों द्वारा लिखा गया है जबकि राइट साइड आर्टिफिशियल है। पैराग्राफ को और एडिट करने के बाद यह पैराग्राफ कुछ इस प्रकार दिखता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।